ऐसी स्किन जिसमें शीशे जैसे चमक हो, बेदाग हो, निखरी हुई हो और जिससे हमारी उम्र का ही ना पता चले। आप भी अगर ऐसी स्किन चाहते हैं तो आज गाइस मैं आपके साथ एक बहुत इजी और सिंपल सी DIY शेयर करने वाली हूँ, ग्लास स्किन जिसे कहते हैं। इस DIY से आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी, चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं वो ईजली रिमूव हो जाएंगे और चेहरा आपका शीशे की तरह चमकेगा। क्या आप भी ऐसी ही स्किन चाहते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए ये DIY वो जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इसको अगर आप रेगुलर अपनी डेली रूटीन में यूज़ करोगे तो आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कभी भी पार्लर में जाके कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार एवरीवन, शेराक स्किन केयर यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि बात कर रहे हैं कोरियन ग्लास स्किन की, तो इस ग्लास स्किन को पाने के लिए ये जो हम DIY बना रहे हैं उसके लिए आपको सबसे पहले एक बाउल में कलेक्ट करना है पोटैटो जूस। आलू का रस आपको एक बाउल में इकट्ठा करना है, लगभग 2 से 3 चम्मच आलू का रस आपका उसमें होना चाहिए। आलू जो है वो स्किन के डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को बहुत ईजली रिड्यूस करता है और चेहरे की रंगत को निखारने में हेल्प करता है। अब इसी आलू के रस में हम ऐड करेंगे चावलों का आटा। कोरियन ग्लास स्किन की जब बात आती है तो चावलों का आटा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्किन को टाइटन करता है, यंग लुक देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट देते हैं। इसमें फेरुलिक एसिड होता है जो स्किन के लिए एक बेहतर सनस्क्रीन का काम करता है। इसमें बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सनबर्न से बचाती हैं और चेहरे की रौनक में, चेहरे को ग्लोइंग बनाने में 4 चांद लगाती हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो है कच्चा दूध, यानी कि जिसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। आपको बॉयल मिल्क यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ कच्चा दूध लेना है। इसमें डालना है 2 से 3 चम्मच, जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं उसके हिसाब से। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो मेरे व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो गाइस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू DIY आपके साथ शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो गाइस, इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आपका कोरियन ग्लास स्किन मास्क बन के रेडी है। मेक श्योर आपकी स्किन जो है, आपका फेस जो है वो एकदम से क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप पूरे चेहरे पे अप्लाई करेंगे। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा सर्कल मोशन में चेहरे को स्क्रब कर लेना। उसके बाद 25 से 30 मिनट के लिए अपने फेस पे एज इट इज़ ही लगे रहने देना। उसके बाद जब भी आप इसको रिमूव करोगे तब भी आपको सर्कल मोशन में मसाज करते हुए, स्क्रब करते हुए चेहरे से रिमूव करना है। हफ्ते में 3 बार आप इस DIY को अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। हफ्ते बाद आपकी स्किन जो है वो स्पॉटलेस और ग्लोइंग नज़र आएगी। इस वीडियो के रिलेटेड गाइस आपने कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ गाइस आपको अपनी नेक्स्ट इजी सी DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।